तो दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो की शुरुआत से आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो आप लोग चैनल देख रहे हो थिएटर पंच, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों ने जरूर ही वॉच किया होगा क्योंकि ये फेसबुक इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग पर चल रहा है और खासकर यूट्यूब पर ट्रेंडिंग चल रहा है। तो दोस्तों ये इनके जैसा शॉर्ट अगर आप लोग भी बनाना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि भाई इनके जैसा जो ये बनाते हैं वीडियो वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि भाई इनका जो फेस होता है ठीक है वो कैसे करते हैं ये, ठीक है कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आज मैं यही बताऊंगा कि भाई इनके जैसा फेस आप लोग कैसे बना सकते हो, इजीली खुद का अपना फेस लगा सकते हो ठीक है, और किसी में भी आप लोग लगा सकते हो, आलू टमाटर प्याज बैंगन जिसमें भी आपको लगाना हो ठीक है आप लोग इजीली लगा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है नितिन सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक वन में। तो इसको नहीं के सब्सक्राइब भेजा के सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप तक मिलती रहे और आप लोग उसे देखते रहो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ चल के आपको बताएंगे भाई किस प्रकार से ये थिएटर पंच जैसा जो है ठीक है वीडियो क्रिएट होता है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, इमेज सर्च में अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लेना ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर इमेज सर्च में इनको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक वॉलपेपर की ज़रूरत होगी ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ, खाली यहाँ पर मैं ग्रीन डाल देता हूँ ठीक है। मैंने यहाँ पर ग्रीन डाल दिया है, ग्रीन आने के बाद ये सारे टेम्पलेट यानी कि वॉलपेपर टाइप में आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कोई सा भी एक को डाउनलोड कर लेना है ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म में हो ठीक है। चलिए मैं इसी को कर लेता हूँ ठीक है। तो मैंने देख सकते हो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लिया, इतना करने के बाद देन आपको यहाँ पर बैक आना है और बैक आने के बाद अब आपको जाना है इंस्टाग्राम ऐप में ठीक है। तो इंस्टाग्राम जो है ऐप है ठीक है, उसमें से ये वीडियो जो है वो क्रिएट होगी ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लस वाला आइकन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा ये वाला ठीक है, इस पर आपको क्या करना है सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ प्लस वाले आइकन पर और यहाँ पर इतना आने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो कैमरा वाला ऑप्शन ये वाला आपको शो हो रहा है ये वाला ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो कुछ ये इस प्रकार से ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर स्टार्टअप में नज़र आ रहे होंगे इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये फिल्टर वाला सेक्शन है ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च पर चले जाना है और यहाँ पर आपको फेस सर्च कर देना है, फेस सर्च कर देना है ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो फिल्टर है ठीक है ये वाला फेस बिल्डर का जो है इसको आपको ले लेना है ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ ही इस प्रकार से हो चुका है, अब आपको यहाँ पर कट कर देना है और इतना करने के बाद देन यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है ठीक है स्क्रीन पर। और इतना करने के बाद यहाँ पर आपको ये ऐड मीडिया का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और जो आपने ग्रीन डाउनलोड किया था उसको यहाँ पर लगा देना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कैमरा रोल पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ग्रीन सिलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है। और इतना करने के बाद यहाँ पर स्क्रीन पर टच कर देता हूँ ठीक है। इतना करने के बाद अब आपका जो स्क्रिप्ट होगा ठीक है उसको आपको यहाँ पर बोलना है ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ ठीक है, रिकॉर्ड करके जो भी मुझसे आता है ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ठीक है इसीलिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली से आप लोग यहीं से जो आपका स्क्रिप्ट है ठीक है, जो स्क्रिप्ट है आपका वो आप लोग यहीं से रिकॉर्ड कर लेना। और रिकॉर्ड करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली से बैक आना है ठीक है। और बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, जिस भी इमेज पर आपको यहाँ पर लगाना है ठीक है, जैसे भिंडी टमाटर जिस पे भी आपको ये फेस लगाना है ठीक है। कैसे लगाओगे तो चलिए आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्या मैं यहाँ पर यूकट एप्लीकेशन का यूज करता हूँ ठीक है। तो मैं यूकट एप्लीकेशन पर चले जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले यहाँ से इतना कट कर देता हूँ और मैं एक यहाँ पर PNG को डाउनलोड कर लेता हूँ ठीक है। PNG फोटो वगैरह जो भी हो उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, किसको करूँ, गैस, और यहाँ पर मैं गैस सिलेंडर को डाउनलोड कर लेता हूँ और ये देख सकते हो मैंने डाउनलोड कर लिया है। और डाउनलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जाना है अपने जो भी एडिटिंग टूल है आपका उस पर चले जाना है, न्यू प्रोजेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो वीडियो मैंने वहाँ से रिकॉर्ड किया था ठीक है, इसको आपको सबसे पहले इमेज आपका लगा देना है, जो आपका इमेज हो ठीक है उसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भाई मेरा जो यहाँ पर मैं फॉर्मेट इसका शॉर्ट पर कर देता हूँ ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भाई सिलेंडर का जो इमेज है वो आ चुका है, इसका लेंथ में थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से जाना है मीडिया वाले सेक्शन आपको मिल जाएगा कहाँ पर, काइंड मास्टर में ठीक है। तो यहाँ पर पिप का ऑप्शन है ठीक है, तो मैं पिप पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ वीडियो पर जाता हूँ और ये वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इसका जो साइज़ है उसको ऐसा कर लेना है ठीक है,
या अपने हिसाब से भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इतना मैं कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और ऐसे आप लोग एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अपने हिसाब से आपको कर लेना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि भाई इस प्रकार से कुछ ये बन के रेडी हो चुका है। तो आप लोग इसे और भी अच्छा बना लेना, और ताकि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए। ठीक है, तो आपको बता देते हो बैकग्राउंड म्यूजिक व्यूजिक सारा कुछ आप लोग लगा लेना। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो कर देना एक लाइक, चैनल पर नई आई हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना ताकि हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक मिलती रहे और आप लोग इसे देखते रहो। तब तक के लिए मिलता है किसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।